नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत में बनी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल से देश को सामरिक तौर पर मजबूती मिली है, लेकिन दुनिया पर अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करने वाले चीन को भारत की मजबूती रास नहीं आ रही और चीन ने अटल टनल को लेकर एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है। अटल टनल को लेकर चीन ने क्या कुछ कहा और साथ ही किस तरीके से चीन बौखलाया हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे सुरंग अटल टनल के उद्घाटन की वजह से चीन को मिर्ची लगी है। चीन के सरकारी भोपू यानी कि ग्लोबल टाइम्स ने इशारों ही इशारों में भारत को गीदड़ भभकी दी है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो चीनी सेना भारत के हाल ही में बनाए गए अटल टनल को बर्बाद कर देगी। चीनी अखबार ने एक विशेषज्ञ के हवाले से आरोप लगाया कि ये भारतीय इलाका बहुत कम आबादी वाला है और इस सुरंग का मकसद सिर्फ सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है। हालांकि चीनी विशेषज्ञ ने ये भी माना कि इस सुरंग से शांति के समय में भारतीय सैनिकों की आपूर्ति में बड़ी मदद मिलेगी। अटल सुरंग का युद्ध के समय कोई फायदा नहीं होगा। चीन की सेना के पास ऐसे साधन हैं जिससे सुरंग को बेकार किया जा सकेगा। भारत को संयम बरतना चाहिए और इस तरह के उकसावे से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचेगा जो भारत की रणनीतिक क्षमता को बढ़ाए, वो भी तब जब चीन और भारत की सैन्य तैयारी में बड़ा अंतर है। व्यवस्थित लड़ाई की क्षमता में भारत चीन से बहुत पीछे है। हालांकि चीनी विशेषज्ञ शोंग झोंगपिंग ने माना कि सुरंग के बन जाने से लेह तक की दूरी काफी कम हो गई है, इससे भारत को अपनी रणनीतिक तैयारी में मदद मिलेगी। तो वहीं झोंगपिंग ने दावा किया कि भारत आधारभूत ढांचे को बनाने पर जमकर पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए उसके पास क्षमता की कमी है। भारत के पास पठारों पर रोड बनाने का पर्याप्त अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि युद्ध के समय अटल टनल कारगर नहीं होगी। भारत के नेताओं ने इस टनल का निर्माण सिर्फ दिखावे और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया है। बता दें कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अटल टनल लेह लद्दाख की लाइफलाइन बनेगी। इस टनल से मनाली और केलांग के बीच की दूरी 3 से 4 घंटे कम हो जाएगी। आपको बता दें कि पहाड़ काटकर बनाई गई अटल सुरंग से मनाली से लेह के बीच की यात्रा सुगम हो जाएगी। इस महायज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले, अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनतकश जवानों को, इंजीनियरों को, सभी मजदूर भाई बहनों को आज मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं। साथियों, अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे। बहरहाल ग्लोबल टाइम्स की इस धमकी से भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। चीन पहले भी इसी तरह की गीदड़ भभकी दे चुका है और भारत की सामरिक मजबूती से डरता रहा है, और अब यही डर चीन के सरकारी मीडिया में भी देखने को मिल रहा है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।